हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस की थ्रो दोस्तों यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर जो वैकेंसी का नाम है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लेखा परीक्षा के सहायक लेखाकार सामान्य चयन मुख्य परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी दोस्तों। जो विज्ञापन की तिथि है यहाँ पर 6/7/2023 है। ऑनलाइन है दोस्तों, यहाँ पर 11 से शुरू होगा और करने की अंतिम तिथि 1/8 तक है। और 8/8 दोस्तों यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं आवेदन को आप लोग दोस्तों। यहाँ पर ये पेट के आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है। कुछ उपयुक्त कथन है यहाँ पर विशेष चीज़ की, आपको जो है पहले फ़ीस भरनी होगी तभी जो है आप यहाँ पर सारे चीज़ कर सकते हैं। और डेट एंड होने के बाद जो है आपका जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आवेदन। सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर है। और लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 1/8/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 8/8 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये है, बाकी जो डिटेल दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं नीचे। टोटल पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 529 पदों पर निकाला गया है। सहायक लेखाकार के रिक्त पद सहित कुल रिक्त 530 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, यानी दोस्तों अगर आपने PET का एग्ज़ाम दिया होगा 2022 उसके बिहाफ उसके आधार पर ये परीक्षा ये भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर एवं नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व आवबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम निर्णय के अधीन रहेगा। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन प्रसिद्ध नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट up-SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई आप देख सकते हैं, निम्नवत है सारे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर पहली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश है, पद का नाम लेखा परीक्षा है। 29,200 दोस्तों 92,900 ग्रेड पे है। टोटल दोस्तों जनरल के लिए 63 पद है, 28 है SC के लिए, 3 है ST के लिए और दोस्तों यहाँ पर 31 है यहाँ पर OBC के लिए, 13 है यहाँ पर OBC के लिए EWS के लिए। कुल पद 138 दोस्तों यहाँ पर है सिर्फ लेखा परीक्षा के लिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, लेखा परीक्षा दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, ग्रेड पे वही है, सेम है। 155 वैकेंसी है जनरल के लिए, 83 वैकेंसी है SC के लिए, 7 ST है, 107 OBC है, 39 EWS है। टोटल 391 पदों पर अस्थाई परमानेंट वैकेंसी। अगली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर है सहायक लेखाकार है, ठीक है, सहायक लेखाकार है। यह उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग लखनऊ के थ्रू एक भर्ती आई है, जिसका ग्रेड पे दोस्तों थोड़ा अलग है, 5200 से 20,200 है, ठीक है। एक वैकेंसी जनरल की है, SC की 0 है, ST की 0 है, OBC की 0 है, EWS की 0, मतलब टोटल एक की वैकेंसी है, अस्थाई है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 530 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें एक पद ये बढ़ा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है, हालांकि ग्रेड पे इसका थोड़ा कम है। बाकी दोस्तों ये वैकेंसी यही है, आप लोग कैसे अप्लाई करना है ये इसकी डिटेल वीडियो हम आपको बता देंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।